कांग्रेस द्वारा बुलाए गए प्रदेश बंद का असर मंदसौर जिले के कुछ क्षेत्रों में ही दिखाई दिया और कई क्षेत्रों में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। इसका एक उदाहरण तो मंदसौर जिले की सबसे बड़ी व्यापारी नगरी कहलाने वाली शामगढ़ में इक्का दुक्का दुकान छोड़कर सारी दुकान खुल गई। शामगढ़ वासियों ने इस बंद का बिल्कुल समर्थन नहीं किया। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार आर एल मुनिया एवं थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर को दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश का बंद का आह्वान किया गया। पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर बंद किया गया था और उसी तत्वाधान में हमने भी स्वैच्छिक बंद का आयोजन किया था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शामगढ़ में कुछ दिन पहले ही शामगढ़ नगर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बंद कराया गया था, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि सभी हमारे व्यापारीगण और छोटे दुकानदार परेशान हो, इसलिए हमने स्वैच्छिक बंद का आयोजन किया और यहाँ पर स्वैच्छिक बंद कराया। आगे की क्या कार्य योजना अगर डीजल पेट्रोल भाव कम नहीं होते हैं? और बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे रैलियाँ निकालेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाके लोगों को समझाएंगे कि मूल्य वृद्धि हो रही है, मोदी द्वारा हिटलर शाही अपनाई जा रही है, लोगों गरीब जनता के ऊपर अपने नियम और कायदे कानून थोपे जा रहे हैं, इसके लिए हम आगे विरोध करते रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।